सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई दूंगा कि उन्होंने वास्तव में साल भर में बहुत मेहनत की और नीट जो कि मेडिकल फील्ड का बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है, जो बाड़मेर में रहकर 50 विलेजर संस्था सब लोग जानते हैं, पिछले 10 साल से मेडिकल की निःशुल्क तैयारी कराती है ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को जो सरकारी स्कूल से पास आउट होते हैं, जिनके मदर फादर नहीं है, किसान या मजदूर है, भामाशाहों के सहयोग से वो बच्चे पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई के जरिए सेल्फ स्टडी करते हुए, क्योंकि कोचिंग इनका जहाँ बैठे हैं वहीं पर होता है, कोई अलग से ट्रेंड सिस्टम नहीं है बाकी जगह जैसा कोटा, जयपुर या दिल्ली में होता है। तो सेल्फ स्टडी के बेस पर इन बच्चों ने 33 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 33 के 33 क्वालिफाइड है और इनमें 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, जो पिछली बार की रैंक के आधार पर यानी 50% से ज़्यादा सक्सेस रेशियो है। तो निसंदेह हमारे 11 साल के संस्था को चलते हुए हो गए हैं, 11 साल में सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये रिजल्ट पूरा हमारे उन गुरुजनों को समर्पित करते हैं जिन गुरुजनों ने इन बच्चों को 5वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाया, और उन भामाशाहों का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करते हुए मैं बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने तमाम लोगों की उम्मीदों को पूरा किया है मेहनत करके। तो अच्छा लगता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूर परिवार के बच्चे डॉक्टर बनते हैं और उन ख्वाब को पूरा करते सर, हैं। 50 विलेजर्स कैसे बच्चों का चयन करती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, कौन वो बच्चे होते हैं, कैसे किस पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं? 50 विलेजर बाड़मेर जिले के निवासी ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करते हैं जो सरकारी स्कूल से 10वीं एग्जाम पास कर लेते हैं, उनके बाद में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उसका कारण होता है आर्थिक कारण, बच्चे मजदूरी पे चले जाते हैं, घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मदर फादर नहीं है, किसी जाति किसी धर्म के होनहार बच्चे जिनको हम बोलते हैं और वो नीडी है। ऐसे बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम से हम सेलेक्ट करते हैं, 25 बच्चे 11वीं क्लास में लेते हैं, वो 12वीं में आते रहते हैं, फिर 11वीं क्लास में लेते हैं, साइंस बायोलॉजी के लिए लेते हैं, बच्चे घर से दिमाग और शरीर लेके आते हैं, बाकी सभी खर्चा किताबें पढ़ाई का खर्चा स्कूल का खाना पीना रहना सब बच्चों का भामाशाहों के यानी दानदाताओं के सहयोग से होता है, और वो बच्चे 11वीं और 12वीं में यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग की तैयारी करते हैं। और पिछले 10 साल से बच्चों ने अपनी तैयारी की है, जिसके 73 बच्चे पहले डॉक्टर थे और 17 बच्चे इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, तो हम कहेंगे 90 बच्चे डॉक्टर अभी 10 साल में बन गए हैं। और 50 विलेजर में बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं किसी जाति के हो सकते हैं किसी धर्म के हो सकते हैं, शर्त यह है कि वो नीडी हो और जरूरतमंद हो, पढ़ाई छूट रही है तो उनको हम पढ़ाते हैं। सर, इसमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें किसी के पिता कई मानसिक रूप से दिख सकते हैं, किसी के पिता नहीं है, किसी के, क्या ऐसा बच्चों की मैं लोग हर बच्चे की अपनी कहानी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो अभाव उसकी ताकत है। किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी के मदर फादर दोनों नहीं है, किसी के पिताजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, किसी की दवाइयाँ चल रही है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बच्चा जो सूर्य प्रकाश जो आपका टॉपर बच्चा है, पिछली बार जिसने राजस्थान बोर्ड को भी टॉप किया था और इस बार उसके 70 नंबर आ रहे हैं, उसके पिताजी मानसिक रूप से काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं तो उनकी दवाइयाँ भी चलती है। वो स्टार्ट स्टार्ट में आया तो वो कभी पढ़ाना नहीं देना चाहते थे, ये बच्चा घर जाता था, उनको समझाता था, छोटी मोटी मजदूरी करके भी परिवार चलाता था। ऐसे मुश्ताक खान है, वो बच्चा जब सर लोग और उनके घर पे गए तो वो सिलाई का काम करता था, सिलाई का काम करते हुए घर भी चला रहा था और आज वो तीसरी रैंक जो अपने यहाँ संस्था की वो थर्ड रैंक है, उसके 665 नंबर आ रहे हैं, उसको भी MBBS मिल रहा है। तो हर बच्चे की अपनी कहानी है, कोई कमठे मजदूर भी है, नरेगा भी घर कोई गया होगा, मजदूरी करने बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं या गए होंगे। अभाव है हर बच्चे के और हर बच्चे के पीछे एक नीड है, मतलब वो सबसे बड़ी नीड है कि उसके पास पैसा नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, उसी बच्चे को हम 50 विलेजर में सेलेक्ट करके लाते हैं। तो एक बच्चे की कहानी नहीं, सभी बच्चों की अलग अलग कहानी है, किसी की बीमारी की चैलेंजेस है, किसी की आर्थिक कारण चैलेंजेस है, किसी के कोई संसाधन नहीं है, किसी के घर बार नहीं है, किसी के रिश्तेदार या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी के मदर फादर नहीं है, तो इस प्रकार से 50 विलेजर में नीडी बच्चे हैं। डॉक्टर बरतन, हमारा आखिरी सवाल है, किस तरीके से ये रिजल्ट जो है पूरे प्रदेश में या देश में कई सारे कोचिंग स्टूडेंट होंगे, निजी भी होंगे, प्रकार की सेवाएं भी होगी, सकता है अपने आप में कितना बड़ा ये रिजल्ट मानते हैं आप? ये सर रिजल्ट बाकी लोगों से हम तुलना नहीं कर सकते, तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो रेगिस्तान का ये सीमावर्ती इलाका जहाँ हमारे पास संसाधन बिल्कुल कम है, जो बच्चे जिस हॉस्टल में रहते हैं खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही अपनी पढ़ाई करते हैं, व्यवस्थाएं सब देखते हैं, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, पढ़ाने का काम अमूमन 11वीं क्लास के बच्चे उनको 12वीं वाले पढ़ाते हैं, 12वीं वालों को नीट वाले पढ़ाते हैं, मेरा काम उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है और पढ़ाना रहता है। तो एक अलग सिस्टम है जो कि अनोखा है, पूरे भारत का नहीं कह सकता, पूरे वर्ल्ड का कह सकता हूँ, कि जहाँ NCERT को गीता बाइबल कुरान मान करके सब बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अपना सब काम को करते हैं, अकाउंट तक को खुद बच्चे मेंटेन करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई करना और सेल्फ स्टडी करना, सबसे बड़ी ताकत क्या है, सेल्फ स्टडी है, वो अपनी किताबों को खुद पढ़ के खुद को तैयार कर रहे हैं। और 33 में से यदि 17 बच्चों को MBBS मिल रहा है तो 50% रिजल्ट है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपको खुद पे विश्वास करिए, अपनी स्टडी को करिए, कोचिंग की जरूरत रहती है तो उस बातों के लिए कोचिंग करिए जो आपको समझ में नहीं आता, कोच का काम है किसी को मार्गदर्शित करना, एग्जाम तो बच्चा लिखेगा, एग्जाम तो बच्चा देगा, बच्चे का नॉलेज होगा वही काम आएगा। और यदि देश भर में कोई मेरी बात को सुन रहा है, कोई ऐसा किसी को लगता है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा नहीं है,
मैं खाने पीने का पैसा दे सकता हूँ। तो हालांकि हम 50 विलेजर तो केवल बाड़मेर के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, वो यदि बाड़मेर आता है, मैं वापस कह रहा हूँ, यदि वो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था खुद कर लेता बाड़मेर में आके, तो हम लोग उसको भी गाइड कर सकते हैं बिना किसी पैसा लिए कि इस तरह से पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाड़मेर रहना जरूरी नहीं है, वो भारत के किसी भी कोने में रहें, हम तरीका बता सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ केवल ये बच्चे जो अभी सेलेक्ट हुए वो नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, मोटिवेटर हैं, यहाँ से पास आउट हुए बच्चे भी हैं, वो एक दूसरे को हम मार्गदर्शित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि राष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे निडी लोग हैं उनको हम मदद कर सके और वही बच्चे इसी तरह से पढ़ के सक्सेस हो सके। 50 विलेज ने डॉक्टर अब तक 10 साल में देश को 90 डॉक्टर दे 90 डॉक्टर, कितनी बड़ी बात है ये। बड़ी बात मैं इसलिए कहूंगा कि ये डोनेशन से चल रहे हैं, टोटल हमें जो डोनेशन मिला है अभी तक लगभग 1,60,00,000 का मिला है, 90 बच्चे डॉक्टर है, यानी ये समझ लो कि एक बच्चा 1 करोड़ का है, तो 1.5 करोड़ रुपये हमें गाड़ी कमाई दानदाताओं की मिली है और इन बच्चों ने मेहनत करके उनको वापस कितने गुणा करके 100 करोड़ करके वापस दे दिया, तो समाज का पैसा वापस समाज के लिए है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर अभी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, ये डॉक्टर बन के आएंगे, बन के आके जब बाड़मेर के जिले के सुदूर गाँव में सेवा करेंगे, हम उस दिन मानेंगे कि हमारे अच्छे डॉक्टर बने, हमारा टारगेट ये है।